वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2018 के बारे में और उसको कैसे तैयार करना है। तो एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो जो जो प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप ठान लीजिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होगा अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है। तो इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। तो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जो आया है उसके हिसाब से यहाँ पे आपके पास कुछ 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स कैरी करेंगे तो टोटल हो जाएगा 200। अब आपको 200 में से एक पार्टिकुलर नंबर लेके आना है जिस नंबर से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो इस पर कट ऑफ्स के बहुत सारे नंबर्स हैं, तो जिस हिसाब से पिछला बार गया था तो 126, 148 अलग अलग करके कट ऑफ्स आ रहे थे। तो हम मान के चलेंगे जो सबसे लास्ट हाईएस्ट कट ऑफ गया था उसको लेके, तो 148, ठीक है। अब 148 जतवा वो क्या था, पहला लिस्ट था जिसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 ये सब इंक्लूडेड थे, ठीक है। तो इसमें 148 कट ऑफ था जनरल का, और आप एससी का जाइएगा तो 125 था, एसटी का 119 था, ओबीसी 135 था। इस हिसाब से सारा कट ऑफ गया, ये रिवाइज कट ऑफ है सारा, ठीक है। फिर उसके लिस्ट 2 में आइएगा तो जहाँ पे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 दिया गया था, तो यहाँ पे भी यू जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ है वो 146 था, एससी का 123, एसटी का 114, ओबीसी का 135, तो इस तरह से था। तो हम लोग यहाँ पे करना क्या है कि हमें इस कट ऑफ को क्लियर करना है। तो आप जो भी नंबर देख रहे हैं यहाँ पे सारा 140 क्रॉस करके ही है, मतलब 145-46। अगर हम 150 लाने की ठाने तो ही हम जाके इसको क्लियर कर पाएंगे। तो मतलब हमारे पास 75 ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो सही होना चाहिए। अब आपको देखना है कि जो 75 क्वेश्चन है वो हम कहाँ से लेके आए, ठीक है। तो इसमें चार्ट आपके पास टॉपिक्स मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। अब हर किसी का सब्जेक्ट स्ट्रांग हो नहीं सकता, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपका क्या स्ट्रांग है, ठीक है। सबसे पहले एक कॉमन चीज़ होना चाहिए जीके, जीके सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि जीके में अगर आप, जीके ऐसा पार्ट है कि जिसमें आप पूरा का पूरा मार सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हो। क्यों? क्योंकि जीके में अगर आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आपका टाइम कम लगेगा। मान लीजिए आपके पास 25 क्वेश्चन है, अगर आपने 25 के 25 आपको आते हैं तो उस 25 को आपको टिक मारने में हार्डली 10 मिनट लगेगा, और आपके पास टाइम कितना है यहाँ पे, कुछ 60 मिनट्स है, ये मिस्टेक हो गया। तो आपके पास टाइम जो है वो है 60 मिनट्स, तो आपको 60 मिनट में अगर 10 मिनट आप जीके को दे रहे हैं, स्टिल यू हैव 50 मिनट्स। तो उस तरह से आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। आप मैथ्स करिएगा तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बट आपको मैथ्स सबसे लास्ट में नहीं करना है। लास्ट में क्यों नहीं करना है, क्योंकि एक टाइम के बाद आएगा कि आप एग्ज़ाम में थोड़ा सा आपका माइंड थोड़ा सा ब्लॉकेज की तरफ जाएगा, थोड़ा परेशान हो जाएंगे आप लोग, तो वो चीज़ आप लोगों को नहीं करना है। इसीलिए मैथ्स आप सबसे पहले जीके सॉल्व करिए, जो आ रहा टिक मारिए, फिर आप मैथ्स के ऊपर आइए, जितने क्वेश्चन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में बन रहे बनाते जाइए। फिर आप रीजनिंग पकड़िए, रीजनिंग में जितने क्वेश्चन बन रहे हैं बनाइए, फिर इंग्लिश पकड़िए। अब देखिए जीके सबको करना है, अब बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, ये तीनों क्या है, आपको कोई एक सब्जेक्ट पे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो जैसे कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आप मैथ्स को फोकस करिए कि मेरा मैथ्स में पूरा का पूरा मार क्या पाऊँ। आप अगर रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग का पूरा मार क्या पाइएगा। बट एक चीज़ यहाँ याद रखिए, रीजनिंग मैथ से काफ़ी आसान है, तो आप ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादा अच्छा रीजनिंग कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का मैथ्स अच्छा होता है, तो आप प्लीज़ मैथ्स से फोकस करिए ताकि आपका मैथ्स का पूरा आप नंबर उठा पाए। उसके बाद आता है इंग्लिश। अब इंग्लिश को आपको पढ़ना कैसे, इंग्लिश को देखिए जो भी कॉमन इंग्लिश के पार्ट है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका कॉमन इंग्लिश पार्ट हो जाए, वोकैब स्ट्रॉन्ग करिए, तो आपका इंग्लिश का सारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ सीजीएल में नहीं पूछा जाता है अगर आप सही से प्रिपेयर करें तो। अब आपको टाइमिंग कैसे डिवाइड करना है इसको पढ़ने के लिए, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे जैसे जो भी एग्ज़ाम्स है, हर एग्ज़ाम्स के लिए, हर पेपर के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए मुझे कितना देना है।
ठीक है, जो आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, तो उसमें पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर अगस्त में एग्ज़ाम है, मान लीजिए 25 का आपका एग्ज़ाम है, तो कम से कम 1 तारीख से डेली 2 पेपर सॉल्व करना चालू करिए, एक सुबह एक शाम, और वो भी टाइम के साथ। अगर 1 घंटे का पेपर आप दे रहे हैं एग्ज़ाम में, तो 1 घंटे के लिए ही पेपर बनाइए, 1 घंटे में जितना सॉल्व हो रहा है आप करिए, नहीं जो हो रहा है उसको बाद में सॉल्व करिए। अगर आप इतना अच्छा कर पा रहे हैं कि 1-1 घंटे में पूरा पूरा पेपर आप लगा पा रहे हैं, तो जो टाइम आपके पास बच रहा है उस टाइम में उन चीज़ों को पढ़िए जो आपका स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। मैथ्स के ऊपर थोड़ा काम करिए, करंट अफेयर्स पढ़िए, तो इससे बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग बनिएगा उस चीज़ को सॉल्व करने को लेकर। तो इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करिएगा तो सीजीएल आपका निकल जाएगा। बट आपको रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे 4 घंटे मैथ्स बनाने हैं, 2 घंटे रीजनिंग बनाने हैं, 2 घंटे इंग्लिश बनाने हैं, बाकी टाइम जीके पढ़ना है। तो इस तरह से आपको रूटीन बनाना पड़ेगा कम से कम 10 से 12 घंटे का, तब जाके आप इस एग्ज़ाम के लिए क्लियर करने के एक चांस बनेगा आपका। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है, अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो काफ़ी आसान है दोस्तों। और आपको हम लोग सारा कुछ प्रिपेयर करवाएंगे, मैथ्स रीजनिंग जी इंग्लिश सीखे, जैसे इंग्लिश की वीडियो हमने डालना चालू कर दिया है, मैथ्स के भी डालना हम चालू कर देंगे अब। तो आप जितना जल्दी हो सकता है हमारे वीडियोस फॉलो करिए और उससे पढ़िए, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली निकलेगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, दोबारा आते रहिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि डेली ऐसे आपको न्यूज़ मिलते रहे, और हो सके तो शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर सीजीएल एग्जाम। थैंक यू।